चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं, 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं, दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं, इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचा कर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं, अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं, अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं, साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं, नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So, let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें, जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला रहा है आपके घर में, जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान है, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए। हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है।
अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, एक रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। यूट्यूब पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन है उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप यूट्यूब पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन मन धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपके धन यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगे ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपरली तभी आप कोशिश करें। अगर आपके मन में इस समय में कुछ बेचैनी होती है तो उसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, उसके लिए कुछ ना कुछ उपचार ज़रूर करें। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बिल्कुल ही दिमाग घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा आपको केयर करने की ज़रूरत है, कोई उपचार करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को बुरे सपने आ सकते हैं या कोई ऐसा लग सकता है जैसे हर कोई इंसान आपको घूर रहा है, हर कोई आप पे नज़र लगा रहा है और वो कोशिश भी करेंगे, उसकी वजह से हेल्थ बिगड़ सकती है लोगों की नज़र दोष की वजह से। तो काला धागा ज़रूर मंत्र सिद्ध करा के आप धारण करें। आप अपने आपकी हेल्थ तो इतनी ख़राब नहीं होगी, आपके जो पार्टनर है उनकी हेल्थ की वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बताया, सर में भारीपन होना, कन्फ्यूजन होना, टेंशन बार बार घूमते रहना, एक ही बात का दिमाग में घूमते रहना, वो समस्याएँ आपको हो सकती हैं। पानी से समय में बच के रहेंगे, पानी में बहुत ज़्यादा हाथ नहीं डालेंगे, कहीं किसी पानी वाली जगह पे नहीं जाएंगे, वहाँ थोड़ा पानी से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, पानी से थोड़ा बच के रहेंगे। पानी को मतलब अच्छा रखेंगे, साफ़ सुथरे पानी को ही ग्रहण करेंगे, ऐसे वैसे पानी को नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ थोड़ी हेल्थ इशू आपको हो सकती है, वरना आपके पेट में भी गड़बड़ हो सकती है और एनर्जी भी आपको दिक्कत हो सकती है, कई दिन तक हो सकता है, फिर आपको बेड रेस्ट करना पड़े, तो उस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखेंगे। पैरों में स्पेशली नीचे बिल्कुल आपके जो पंजा है, पंजे में थोड़ी दर्द ज़्यादा रह सकती है, वहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें तो हेल्थ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ सोच सोच के हेल्थ को ख़राब मत कर लिएगा। मीन राशि वालों, अगर हम बात करें आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, आपकी फैमिली लाइफ की या आपकी पर्सनल लाइफ की, तो बहुत अच्छा समय है, आपको काफ़ी कुछ इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपकी सिचुएशन अभी चल रही है, अगर उसमें तनाव है तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज का समय है। 2024 आपके लिए रिलेशनशिप में चेंज ज़रूर लाएगा, आपके मन में सेटिस्फैक्शन लाएगा, मन में आपके बहुत अच्छे इमोशंस लाएगा, आपको एक दूसरे के प्रति बहुत सारा स्नेह और प्यार जो है वो उमड़ता हुआ महसूस होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि कुछ ना कुछ उपाय आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई तिगड़म आप लगाओगे जिससे आप अपने मन पसंद इंसान से शादी कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। कुछ लोगों को प्लानिंग करने की ज़रूरत है, अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ आप कुछ आगे फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के स्टेबल होना चाहते हैं, तो प्लानिंग करने की ज़रूरत है। प्लानिंग नहीं करेंगे तो वहाँ चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं, या आप अगर अपने मन से चीज़ें सोचे बैठे हुए हैं और प्रैक्टिकली नहीं हो रहे हैं, चार लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप ही ने सोचा हुआ है कि ऐसे कर लेंगे, वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। बहुत ही प्यार भरी सिचुएशन है, आपके मन में बहुत खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेकर के, चेंज है रिलेशनशिप को लेकर के। अगर कोई नया रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, पुराने रिश्ते आपके समाप्त हो चुके हैं, आप अकेले हैं, सिंगल हैं, उन लोगों के लिए 2024 बहुत अच्छा कोई पार्टनर लेकर के आ रहा है, जो कि मेष राशि या मेष लगन के हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा
वो आपको आपके काम में हेल्प करने आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप जो होगा वो आपके काम में आपको पुश करेगा, काम में परस्यू करेगा, एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करेगा, अपनी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो एक बहुत अच्छा रिश्ता होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में। और अगर एग्जिस्टिंग रिश्ता आपको ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो वो भी आपको प्रेरित करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर रेफोइन, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. मीन राशि वालों, अगर मैं आपकी धन की स्थिति देखूं तो धन की स्थिति में भी काफी अच्छा आपका दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज्यादा चाह रहे हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शायद वो कोई प्रॉपर्टी है या शायद आपका कोई सपना है जो आप फाइनेंशियली पूरा करना चाहते हो, उसमें 2024 थोड़ा इंतजार करा के देगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली पे खर्चा करना चाहते हैं, फैमिली के साथ कोई घूमना चाहते हैं, फैमिली की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जरूर पैसा मिलेगा। आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं, कोई अकेडमी खोलना चाहते हैं, आप किसी तरह का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, हेल्प मिल जाएगा। अगर बाहर आप कहीं जाना चाहते हैं या बाहर से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको मौका जरूर मिलेगा और अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। अगर आप कोई काम को, मतलब कोई पैसा कलेक्ट करके बहुत सारे लोगों से बिजनेस में डालना चाहते हैं, तो भी आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा साल के अगर बात करें तो आपके जून जुलाई के बाद थोड़े से आप वो पैसे को ज्यादा होल्ड करना शुरू कर देंगे, थोड़े कंजूस होना शुरू हो जाएंगे और किसी चीज के लिए सेविंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप वो किसी फ्यूचर में किसी गोल के लिए सेविंग करेंगे तो थोड़े कंजूस उस समय में हो जाएंगे। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप इस समय में आप कर सकते हैं, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के विचार नहीं मिलेंगे और पार्टनरशिप में थोड़ा या तो आप अलग ही हो सकते हैं पार्टनरशिप से, या पार्टनर और आपके मतभेद थोड़े ज्यादा होंगे, तो वहां पहले से ही अपना पेपर वर्क प्रॉपर करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना उसकी वजह से आपको निराशा हाथ लगेगी। साल 2024 की बात करूं तो क्या ग्रोथ देगा? फाइनेंशियली बिल्कुल ग्रोथ देगा, फाइनेंशियली आपको आगे जरूर बढ़ाएगा और 2023 से बहुत ज्यादा अच्छा बैंक बैलेंस 2024 आपको इकट्ठा करके देगा। मीन राशि वालों, अगर मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूं या आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति की बात करूं, तो इस समय में जो है पहले पहले तो आप साल के शुरुआत में थोड़ा सा लो महसूस करेंगे, आपको रास्ता नहीं दिखेगा, या आप करना तो चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति लेकिन कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बने रहेंगे इस तरफ कि मुझे अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, अपना धन भी कमाना है लेकिन अपने ऊपर भी मेहनत करनी है, तो कोई ना कोई अवसर आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, मार्गदर्शक मिल जाएगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने को काम आएगा। या ऐसा भी हो सकता है आप किसी की पॉडकास्ट सुने या किसी का प्रवचन सुने, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जहां सुनने मात्र से आपको रास्ता मिल जाएगा, तो आप सुनना शुरू करो किसी भी ज्ञानी जन की, किसी भी कोई अच्छी बात सुनोगे आपको मौका मिल जाएगा। साल के फरवरी के बाद से या फरवरी से आप कुछ ज्यादा ही तपस्या में लीन दिखाई दे रहे हो, यानी कि कुछ ज्यादा ही आपका धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ जाएंगी, कुछ बहुत ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम व्रत भी रखें, हम हवन भी करें, हम पूजन भी करें, हम दान भी करें, हम मेडिटेशन भी करें, हम योगा भी करें, मतलब इस साइड को फरवरी के बाद थोड़े ज्यादा आते हुए आप दिखाई दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। कुछ लोग जो है वो भजन कीर्तन में भी सम्मिलित होते मुझे दिखाई दे रहे, या हो सकता है आप कोई भजन वगैरह भी सुने। थोड़ी सी नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आप जल्दी उठ जाओगे, लगभग 3-4 बजे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आप उठ जाओगे तो ये अच्छा होगा। 3 बजे नींद खुल जाएगी तो आप बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे और आप में पूरे दिन अपना आध्यात्मिक कार्य करने की भी शक्ति बनी रहेगी और अपने लौकिक कार्य करने की भी शक्ति बनी रहेगी, तो एक अच्छा समय है। विष्णु भगवान के चरणों के का सेवन करने का अवसर मिल सकता है, या तो कथा के माध्यम से या उनके किसी मंदिर को विजिट करने के माध्यम से, तो उसके लिए आप जरूर प्रस्थान करें, जाएं, कहीं ना कहीं जाने का योग, कहीं दर्शन करने का योग इस वर्ष में जरूर बनेगा।
आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरुमा अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो जो भी अच्छे फल है बुरे फल है किसको मिलते हैं, लगन को मिलते हैं। लगन कौन है, हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको, झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है आपका। फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं, आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं, उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा, तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव, एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो द्वितीय घर है जो सेकंड हाउस में उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, जो नवम घर है इनका उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है, और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है, और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है, नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6 इसका टोटल करेंगे 38 आएगा, 38, तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, उसमें उस ग्रह का जो भी ग्रह बैठा है उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है पहले घर में, शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में, तो शुक्र का जो मूलांक है वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल भी मैं आपको साथ में दिखा रही हूं, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकेंड हाउस देखे, सेकेंड हाउस में इनके 3-3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6, ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया, और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो नाइन्थ हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमारे जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 38, 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है,
किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से आपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल में रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकेंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं तो इनके स्वामी जो है सेकेंड हाउस में, इनका नंबर पड़ता है 9। 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके थर्ड हाउस में बैठे या फोर्थ हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीर्ष फल आया है उसके आगे बढ़ना है, ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे, अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु, गुरु जहां बैठा है वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पहुंचा इसका भाग्य में। वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी, और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है, या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी, लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है, तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उसके बाद, चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है, तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा, तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं, चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी, जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, पद प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।